तो राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट सामने आया है, जिसके बाद टीएमसी ने भी वॉकआउट कर दिया। और पीछे की वजह आपको बता दें, दरअसल कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन ये फैसला लिया गया कि राज्यसभा के उन 12 सांसदों को निलंबित कर दिया जाएगा जिन्होंने मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। अनुशासनहीनता यहां पर लगाते हुए इन 12 सांसदों को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद विपक्षी दलों की नाराजगी यहां पर सामने आई। और आज राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों ने यहां पर राज्यसभा के सभापति से कहा है कि वो इस निलंबन को वापस लें और एक बार फिर से मौका दिया जाए 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र में शामिल होने का। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दें कि सभापति वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने से मना कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और इस हंगामे के बाद देखिए किस तरह की तस्वीर यहां पर सामने आई। लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सस्पेंशन के नियमों के विरुद्ध इसे बताया और विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। हालांकि बाद में टीएमसी ने भी राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि जिस तरह से 12 सांसदों का निलंबन हुआ है उसे वापस लिया जाना चाहिए, संसद के शीतकालीन सत्र में इन्हें वापस शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन वेंकैया नायडू साफ कर चुके हैं कि ये नियमों के चलते लिया गया फैसला है जिसे वापस नहीं लिया जाएगा। द सस्पेंशन ऑफ एनी मेंबर, देयर आर टू पैरामीटर्स व्हिच हैव टू बी अडहर्ड टू। फर्स्टली, द नेमिंग ऑफ द मेंबर्स बाय चेयरमैन इज रिक्वायर्ड प्रियर टू देयर सस्पेंशन। ओनली देयर आफ्टर द मोशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबर सो नेम्ड कैन बी मूव्ड। मोर इंपॉर्टेंटली, दिस प्रोसीजर इज रिलेवेंट only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. तो सभापति वेंकैया नायडू के जरिए क्या कुछ कहा गया, जिस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया, जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, सुनिए आप भी। Clearly clarified for the sake of the understanding of the house as well as the nation, the Rajya Sabha is a continuing institution. And the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया है कि निलंबन किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये नियमों के चलते लिया गया फैसला है। और इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद टीएमसी ने भी वॉकआउट कर दिया। क्या कुछ वेंकैया नायडू ने इस पर कहा, सुनिए ये भी। So I respectfully honor their sentiments, but only tell them, please see to it that the house is allowed to function. तो कल पहले दिन भी हंगामेदार तस्वीर रही और आज भी हंगामेदार तस्वीर से ही सदन की कार्यवाही की शुरुआत किस तरह से हुई वो तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं। और अब आप ये तस्वीर भी देखिए, संसद परिसर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष एकजुट हुआ और यहां पर जाकर देखिए किस तरह से ये प्रदर्शन अब सामने आ रहा है। मांग सीधे तौर पर इनकी की जा रही है कि जो फैसला यहां पर लिया गया है 12 सांसदों के निलंबन का, उसे वापस लिया जाए, वरना वो सदन की कार्यवाही यूं ही हंगामेदार चलाते रहेंगे। और कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष पहले से ही जुटा था, लेकिन जिस तरह से कल पहले दिन फैसला ले लिया गया कि राज्यसभा के 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया जाता है, उसके बाद देखिए विपक्षी दलों की नाराजगी सामने आई और अब महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने यह प्रदर्शन सामने आ रहा है। तो विपक्षी दल एकजुट होकर यहां पर बैठक करते हुए भी नजर आए, क्योंकि जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर एकजुटता यहां पर दिखानी होगी ताकि 12 सांसदों का जो निलंबन है वो वापस लिया जा सके। रणनीति यहां पर देखिए किस तरह से विपक्षी पार्टियों की सामने आ रही है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर यहां पर कह रही हैं कि राज्यसभा के निलंबित हुए 12 सांसदों का निलंबन वापस लिया जा सके, लेकिन राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया है कि निलंबन नियमों के तहत हुआ है जिसे वापस नहीं लिया जाएगा। जिस बैठक का हम जिक्र कर
रहे हैं। इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस बैठक में 16 पार्टी के नेता शामिल हुए। शिवसेना, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी और टीआरएस के नेता इस बैठक में शामिल हुए और इस बीच निलंबित सांसदों ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई थी कि अगर निलंबित सांसद माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन साफ कर दिया गया कि माफी यहां पर नहीं मांगी जाएगी। बावजूद इसके जोर यह दिया जा रहा है कि यह निलंबन वापस लिया जाए। देखिए, तमाम तरह की प्रतिक्रिया इसे लेकर यहां पर सामने आ रही है, चाहे विपक्ष की अपनी रणनीति हो, चाहे बीजेपी कह रही है कि नियमों के तहत लिया गया फैसला है जिसका वो स्वागत करते हैं। अगर कोई सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा तो उसके साथ ऐसा ही नियमों के तहत जो है वो कार्रवाई यहां पर होगी। लेकिन क्या कुछ प्रहलाद जोशी ने इस बीच कहा है, सुनिए आप भी। सेशन के लास्ट डे कुछ करता है, बाद में कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। टेबल नाचने के लिए है, हाउस मार्शल को मारने के लिए है, हाउस विशल ला के बजाने के लिए हाउस है। और इतने करने के बाद भी हमने बार बार ये कहा, आप क्षमा मांगो, आप पश्चाताप व्यक्त करो कम से कम। नहीं, हम नहीं करेंगे, स्वीकारता नहीं है ये। राहुल गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस, श्रीमती सोनिया गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए हम इसमें बहुत उनको मौका दिया। इससे पहले दरवाजा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया जब उनको नेम किया गया था। आई वुड लाइक टू आस्क श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी को पूछने का सवाल नहीं क्योंकि वो समझ नहीं आता है, ही डजंट अंडरस्टैंड, इसलिए मैं उनको पूछता नहीं। सोनिया गांधी जी को मैं पूछता हूं, और खड़गे जी जो बहुत 9 बार एमएलए थे, 1 बार एमपी थे, अभी राज्यसभा में आए हैं, जो बर्तव्य उस समय हुआ, इजी गोइंग टू एंडोर्स, वो रिकॉर्ड पे बोलने दो। ऐसा ही हम चलते हैं, दुरंकार है और कुछ नहीं है, पश्चाताप भी व्यक्त नहीं करेंगे, दुरंकार है। तो राज्यसभा के जिन 12 सांसदों को